मथुरा की थाना गोवर्धन पुलिस ने एक टटलू को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में आयोजित पत्रकार वार्ता में एसपी देहात आदित्य शुक्ला ने बताया कि बिहार के रहने वाले दो लोगों को दो टटलुओं ने गोवर्धन बुला लिया था। टटलुओं ने बिहार के गुरुदेव मंडल और तुलसी मंडल नामक रिश्तेदारों को ये कहकर यहाँ पर बुलाया था कि उनके पास 5 ट्रैक्टर हैं, यदि आप सस्ते में लेना चाहो तो गोवर्धन आ जाओ। टटलुओं के धोखे में आकर बिहार के ये दोनों लोग यहाँ गोवर्धन आ गए और टटलुओं ने उनसे 2 लाख रुपए मांगे। उनके पास 2 लाख रुपए न होने पर टटलू गैंग के बदमाश उन्हें अपने साथ लेकर जा रहे थे। इसी मध्य पुलिस को मिली सूचना के आधार पर पुलिस वहां पर पहुंच गई और बिहार से आए उन दोनों व्यक्तियों को टटलुओं के हाथों लुटने से बचा लिया। इस संबंध में वादी की लिखित तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 384/19, धारा 420, 384 और 506 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दर्ज हुआ। लीलाधर पुत्र केशव देव व दाऊदयाल पुत्र लीलाधर निवासी गण ग्राम भरना कला थाना बरसाना को जिसमें नामजद किया गया और ये अभी गत दिवस की घटना बताई गई है, शनिवार की। इस मुकदमे के आधार पर लीलाधर पुत्र केशव देव निवासी भरना कला थाना बरसाना को गोवर्धन पुलिस ने आज यानी रविवार को गिरफ्तार करने की जानकारी दी और ये गिरफ्तारी जो हुई है वो रात्रि में करीब 4:45 हुई बताई गई है और उपनिरीक्षक महेश चंद्र, उपनिरीक्षक सत्य प्रकाश, उपनिरीक्षक आदर्श कुमार के अलावा कांस्टेबल रॉबिन कुमार ने इस टटलू को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार टटलू के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर उसे जेल भेजा गया है। ये जनपद मथुरा में थाना गोवर्धन के अंतर्गत आज सुबह बिहार के दो व्यक्ति गुरुदेव मंडल और तुलसी मंडल यहाँ आए थे। इनका कहना था कि हमको इस पर रोलेक्स पर यह सूचना दी गई कि हमारे पास 5 ट्रैक्टर हैं और एक ट्रैक्टर जो नया है वो हम 1.5 लाख में आपको देंगे और 1.5 और 2 लाख के बीच इनका सौदा तय हुआ। उसी को लेने के लिए जब यहाँ दोनों व्यक्ति बिहार से आए, ये सुल्तानगंज भागलपुर बिहार के रहने वाले हैं, तो एक व्यक्ति जो आपके सामने है लीलाधर पुत्र केशव देव भरना कला निवासी, ये उनको लेने आए और ये मौके से पकड़े गए रंगे हाथ। इन पर इनको गिरफ्तार किया गया है और इन पर अभियोग पंजीकृत किया गया है, मुकदमा में इनको जेल भेजा जा रहा है। सर एक बात आती है, बात ये आती है कि ओलेक्स पे डालने के लिए जो व्यक्ति डालता है उसको इंटरनेट का पूरा संज्ञान, मोबाइल का पूरा ज्ञान होना चाहिए और ये जो लोग पकड़े जाते हैं ये शिकार बनाते हैं, वो लोग कहाँ हैं जो ओलेक्स पे सब लोग डालते हैं कब? अब ये तो गहराई से छानबीन में पता चलेगा, लेकिन जो चीज़ें हम लोग रंगे हाथ पकड़ ले रहे हैं या जानकारी होती है उस पर तत्क्षण कार्रवाई की जाती है और इस पर भी आप जो कह रहे हैं इसकी भी सत्यता की जांच होनी चाहिए, क्योंकि इंटरनेट सिस्टम बहुत ही दुरूह है और हर व्यक्ति को समझना जानना कठिन होता है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जितना अधिक से अधिक इसमें जानकारी प्राप्त होगी उतने अभियुक्त बनाकर इसमें कार्रवाई की जाएगी।